नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पद्मावती एक्सप्रेस के बारे में, जो कि सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच में चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदराबाद से तिरुपति तक चलने वाली ट्रेन के बारे में, जिसका नाम है पद्मावती एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है सुपरफास्ट ट्रेन है, अभी नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। सिकंदराबाद जंक्शन से हफ्ते में 5 दिन चलती है। हर इतवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को ये ट्रेन जो है तिरुपति के लिए चलती है। और सिकंदराबाद से तिरुपति की जो दूरी है 12 घंटे 35 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन है, 735 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 58 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। ICF कोचेज वाली ट्रेन है, वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। सेकेंड AC, थर्ड AC, फर्स्ट AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। अगर बात करें टिकट किराए के बारे में, तो पद्मावती एक्सप्रेस में फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़कर आपको सभी कोचेस में जो है रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। रिजर्वेशन के लिए आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की वेबसाइट से टिकट जो है बुक कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट AC की बात करें, तो फर्स्ट AC का पद्मावती एक्सप्रेस का जो सिकंदराबाद से तिरुपति तक का किराया है वो है 2645 रुपये, जिसमें 2384 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 126 रुपये है। टोटल किराया 2645 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का जो सिकंदराबाद से तिरुपति तक का किराया है वो है 1580 रुपये, जिसमें 1409 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, 76 रुपये GST चार्ज शामिल है। टोटल किराया 1580 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC के तकरीबन 4 कोच हैं, जिसका टिकट किराया जो है वो है 1120 रुपये, जिसमें 981 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 54 रुपये है। टोटल किराया 1120 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के तकरीबन 12 कोचेस हैं, जिसका सिकंदराबाद से तिरुपति तक का किराया है 425 रुपये, जिसमें 375 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 425 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। जनरल डिब्बों के तकरीबन 2 कोच ही हैं, एक कोच इंजन की तरफ लगाए, एक कोच ट्रेन के पीछे की तरफ लगाए, जिसका टिकट किराया लगभग 240 रुपये है। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर से कंफर्म कर सकते हैं, वहाँ से आप किराया जो है कंफर्म जरूर करें। बाकी अन्य किराए भी रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से कंफर्म हो जाएंगे, तो टिकट किराया कंफर्म जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं पद्मावती एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में, और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं सिकंदराबाद जंक्शन से तिरुपति रेलवे स्टेशन तक। सिकंदराबाद जंक्शन से ये ट्रेन जो है हफ्ते में 5 दिन चलती है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को शाम को 6:40 पे 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है, और 12 घंटे 35 मिनट बाद तिरुपति में सुबह 7:15 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसका जो दूसरा स्टेशन है वो है जनगांव, तेलंगाना। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 7:41 पे पहुंचती है और 7:42 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। 83 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद काजीपेट जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 8:28 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। 131 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KZJ। इसके बाद वारंगल रेलवे स्टेशन पर रात के 8:43 पे पहुंचती है और 8:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। 142 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है WL। इसके बाद नेकोंडा रेलवे स्टेशन तेलंगाना में ट्रेन जो है रात के 9:09 पे पहुंचती है और 9:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। 172 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है NKD। इसके बाद ये ट्रेन जो है केशमुदरम रेलवे स्टेशन पे रात के 9:24 पे पहुंचती है और 9:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। 187 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KDM। इसके बाद महबूबाबाद रेलवे स्टेशन पर रात के 9:40 के करीब पहुंचती है और 9:40 पे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आके ट्रेन जो है रुकती है। 202 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है।
महबूबाबाद के बाद ये ट्रेन जो है खम्मम रेलवे स्टेशन पे रात के 10:19 पे पहुंचती है और 10:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 250 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। मदिरा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है रात के 10:50 के करीब पहुंचती है, 10:50 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 294 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MDR। इसके बाद ये ट्रेन जो है विजयवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:15 पे और 12:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है विजयवाड़ा जंक्शन में, काफ़ी ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है तेनाली जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:58 पे और 1 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर धर्मावरम नरसापुर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद चिराला रेलवे स्टेशन पे रात के 1:48 पे पहुंचती है और 1:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। ऑनगोल रेलवे स्टेशन पे रात के 2:38 पे पहुंचती है और 2:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ पर अलाफूजा धनबाद एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद नेल्लोर रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:03 पे पहुंचती है और 4:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 602 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। नेल्लोर रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 4:03 पे पहुंचती है और 4:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है गडूर जंक्शन। इसके बाद गडूर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:43 पे और 4:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 642 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। वेंकटागिरी में ये ट्रेन जो है सुबह 5:19 पे पहुंचती है और 5:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। श्री कालहस्ती रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 5:40 के करीब पहुंचती है और 5:40 पे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद रेनीगुंटा जंक्शन में सुबह 6:23 पे पहुंचती है और 6:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन जो है सिकंदराबाद से चलकर तिरुपति रेलवे स्टेशन पे सुबह 7:15 पे पहुंचती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों, इसी के साथ पद्मावती एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।